यूपी के कुशीनगर में मिड डे मील खाने से एक सरकारी स्कूल में 14 से अधिक बच्चे बीमार हो गए। वही सभी बच्चों उल्टी आने की शिकायत के बाद उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां सभी बच्चों का उपचार किया जा रहा है। बता दी कि कोटवा विकास खंड शिवदत्त छपरा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में दोपहर के मिड डे मील में परोसा गया, जहां मिड डे मील का भोजन करने के बाद सभी बच्चों ने थोड़ी देर बाद उल्टियां करना शुरू कर दिया। इसके बाद बच्चों को आनंद फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोटवा उपचार के लिए भेजा गया। वही घटना की सूचना पाकर बच्चों के अभिभावक और पुलिस भी स्कूल और अस्पताल पहुंचे। वही मामला सरकारी विद्यालय से जुड़ा होने की वजह से कुशीनगर डीएम सीएमओ सीडीओ व कुशीनगर के सांसद विजय कुमार दुबे ने भी कोटवा सीएचसी पहुंचकर बच्चों का हाल जाना और बेहतर उपचार हेतु विभाग को निर्देशित किया गया। कुशीनगर से अनुराग रंजन की रिपोर्ट। जिससे हमको सूचना प्राप्त हुई है, यहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ पे दल कुछ स्कूल माध्यमिक विद्यालय था वहाँ पे एमडीएम से कुछ बच्चों को फूड प्वाइजनिंग हुई थी। तो यहाँ पे अभी 17 बच्चे हमारे पास हैं, जिसमें से कुछ बच्चे सीरियस में हैं, तो उनको हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है बच्चों को। अभी कोई गंभीर बच्चे ऐसे नहीं हैं, हम लोग यहाँ पर मैनेज कर लेंगे इसको।